सर्दियों से गरीब तबका हुआ परेशान। जम्मू संभाग में गैर जरूरी सेवाओं पर पूरी तरह से लगा प्रतिबंध, अब सोमवार को खुलेंगे बाजार। कश्मीर सूबे के तमाम जिलों में पाबंदियों का दिखा असर, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, फ्रंट फुट पर आई पुलिस। बिश्नाह विधानसभा हलके में चोरों के आगे बेबस हुई पुलिस, एक ही रात में तीन जगहों से माल उड़ाकर दी खुली चुनौती। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए साप्ताहिक पाबंदियां लगाई गई हैं और इसका असर अब इस हफ्ते भी दिख रहा है। बात करें अगर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों की, तो सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली नजर आईं, जबकि गैर जरूरी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगी रही। यातायात पर पाबंदियां न होने के चलते गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आईं। बात करें अगर जनता की, तो उन्होंने इन पाबंदियों पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन पाबंदियों ने रोज कमाने और रोज खाने वालों की कमर तोड़कर रख दी है, जबकि कुछ लोगों ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पाबंदियां लगाए जाने के फैसले की सराहना की है। जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, अभी भी आप सड़कों पे देखो कैसे ट्रैफिक चल रही है। ये थोड़ी गवर्नमेंट ने आपको घर में बंद नहीं करके रखा, अभी हाँ जी आप घर में बैठो। घर में बैठने के लिए गवर्नमेंट ने आपके खुद के लिए बोला है, क्योंकि अगर हम घर में खुद बैठेंगे तो हम खुद हमारे लोग ही जो है कोरोना से बचेंगे। क्योंकि आप देखो जैसे डे बाय डे जो है कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, रूटीन में 4500, 5000, 6000 पेशेंट आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है जम्मू कश्मीर में ही आ रहे हैं। आप पूरे इंडिया का आप अगर मैप देखोगे तो रोज़ का 4500, 6000 पेशेंट जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसमें 1500, 2000 जम्मू का और 3500, 4000 श्रीनगर का आ रहा है, और रोज़ की 15-16 डेथ हो रही है जिसमें आधी जम्मू की है। और ये लॉकडाउन हम लोगों के लिए है, हम जितना अपने घर में बैठेंगे अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, खुद को स्वस्थ रखेंगे। गरीबी तो गरीबी जो तबका ना ये बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। चलो एक नौकरी पेशे वाला बंदा तो चलो वह एक रोजगार बने, जो दिहाड़ी लाइए जिन्हें खानी है ना बेचारे ने, वो वास्ता तो मतलब खुदकुशी का हकदार है, और ये सवाए और कोई चारा नहीं वो बेचारे को बचे। कोशिश गवर्नमेंट की सरकार की ये करनी चाहिए, ये जिन्ना भी है अच्छा जो ट्रीटमेंट है जरा भी गरीब तबके की दिता जाए, ताकि वह बेचारा कोई रोजगार करने के काम, वो अगे गए मरीज बने बेचारा। और जिस तरह मैं एक सैंपल है, मैं मतलब कि पूरा पेशेंट है इसलिए एक मतलब ताप पर, मेरे को कोई चारा नहीं है। हालांकि चलो शुक्र है कि मालिक दिता था, चलो है कोई मतलब बुजुर्ग का थोड़ा दीन है जो जो वजह कहना साढ़ा दाना फक्का चला था, बाकी जो दिहाड़ी लाइए जिन्हें खानी होगा वो वास्तव मुश्किल है। आपने भी देखा होगा जो छोटा समाज है, जो दिहाड़ीदार है, वो कहीं ना कहीं इसकी नुकसान में है। जो आदमी सुबह कमाने के लिए निकलता है और रात को अपने खाने का जुगाड़ करता है, वो आज कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और गरीबी की तदार पे पहुंच चुका है। और इसके लिए मैं प्रशासन को भी जिम्मेवार नहीं कहता, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेवार हैं, जिन्होंने जो सरकार ने रूल और रेगुलेशन निकाले थे, जो उन्होंने हिदायतें दी थी मास्क लगाने की और सैनिटाइज़र का हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, वो हम कहीं ना कहीं उसमें कसूरवार हम हैं जिन्होंने इन रूल का पालन नहीं किया। अगर हम चाहते तो लॉकडाउन नहीं लग सकता था। और चलो जो भी है, सरकार को आम जनता के लिए भी सोचना चाहिए, जैसे उन्होंने लॉकडाउन लगाया है और काफ़ी चीज़ों में रियायत भी दी है, जैसे किराने की दुकानें हैं, खाने पीने के ढाबे होटल्स हैं और मेडिसिन की दुकानें हैं, पर जो बेचारा एक दिहाड़ीदार है, रेड़ी वाला है या फड़ी वाला है, सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये तो लॉकडाउन को तो इन्होंने मजाक बना के रख दिया है, और असमंजस की बात है कि पता ही नहीं है कि बंद क्या है, खुला क्या है, क्यों खुला है, किसके लिए खुला और बंद किसके लिए है। क्या ये लॉकडाउन सिर्फ छोटे दुकानदारों, रेड़ी फरोश करने वाले, फड़ी लगाने वालों के लिए ज़्यादा रह गया है, या दुकानदारों के लिए रह गया है कि उन्हीं की वजह से कोरोना हो रहा है, बाकियों की वजह से कोई कोरोना नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्ट अपनी जगह चल रही है, लोगों की भीड़ वैसे है, लोग खाम खा घूम रहे हैं, क्या कोई ने पूछने वाला है कि अगर आप क्यों घूम रहे हो और किस लिए घूम रहे हो, क्या मास्क डाला है नहीं डाला है, या आपने कौन से ऐसे, अगर वैक्सीन वगैरह सारी कंप्लीट हो गई है
हमारी सेंटर सरकार जब बताती है कि हमने इतनी वैक्सीन लगा ली, अब रहा कोई नहीं 15 से 18 साल बच्चों के लिए भी लगनी शुरू हो गई है, वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर इस तरह का माहौल रहना है तो ये समझ के बाहर बात है कि जो छोटे इंसान के लिए जिसने दिन में कमाना है और रात को खाना है, क्या उन्हीं के लिए ये लॉकडाउन रह गया है? तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। जम्मू के साथ साथ जिले में तहसील स्तर पर भी आज साप्ताहिक पाबंदियां लागू होने के कारण बाजारों में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। बात करें अगर आरएसपुरा की तो वहां लोग असमंजस में दिखे। उन्होंने प्रशासन से उन्हें पशोपेश में न डालने और पाबंदियों पर समय पर पक्ष रखने की मांग की। आरएसपुरा में भी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली होने के कारण बाजार सूने सूने नजर आए। ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट अगे ये रिक्वेस्ट करने कि जेड़ा लॉकडाउन गवर्नमेंट करती भी है, इहदा कम से कम पब्लिक नू थोड़ा जिहा पहले पता होना चाहिए। इत्थे कोई पता नहीं लगता, अद्धी रात नू कहंदे आ जी सलाह हुंदी है गवर्नमेंट दी, हां जी दुकाना बंद कीतियां जाण, चैंबर दी भी कोई अपनी कोई सलाह नहीं है। कल दुपहरी मीटिंग हुई, कल दुपहर मीटिंग च आया कि दुकाना खुलन गियां, हुण राती अद्धी रात नू मीटिंग हुंदी है कि दुकाना लॉकडाउन जिहड़ा है शनिवार ऐतवार कीता जाएगा। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ। ਲੋਕ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਕੇਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਦਿਖ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਗਦਮ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕੈਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਔਰ ਯਕਦਮ ਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਾ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇ ਯਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬਸ਼ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕੈਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਯਕਦਮ ਸੇ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾ ਇਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੋ ਕੋ ਕਿਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰੋ ਕੋ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੱਚਾ ਸਮਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਕੋ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਉਸਕੋ ਤੋ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ। कश्मीर सूबे में श्रीनगर सहित अन्य जिलों में साप्ताहिक पाबंदियां सख्ती के साथ लागू करवाई जा रही हैं। श्रीनगर में आज जहां तमाम गैर जरूरी अदारे बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, वहीं अनंतनाग, कुपवाड़ा और शोपियां में भी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहीं। कुपवाड़ा में बिना मास्क के घरों से निकले लोगों के चालान भी काटे गए। बिश्ना विधानसभा हलके में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों ने एक ही रात में तीन जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को सीधी चुनौती दी है। चोर टींडे खुर्द इलाके में दर्शनलाल के आवास से जहां नकदी और सोना उड़ाकर रफू चक्कर हो गए, वहीं लसवाड़ा इलाके से एक लोड कैरियर व मुजफ्फरनगर से मोटरों पर भी हाथ साफ कर दिया। डंडे खुर्द निवासी दर्शन लाल अपने परिवार सहित किसी रिश्तेदार के घर शादी की गीत सेरेमनी में गए थे कि चोर मौका कर उनके घर में ताले तोड़कर घुसे और वहां से नकदी व जेवरों को चुराकर 9-11 हो गए। सूत्र है कांडे छाप नाड़ी न्याणे दे पैसे किन्ने पैसे? पैसे 1,00,000 रुपया। तुस को पैसे? अस भू दे मुंडे दे गीत गवान गए रे राती। ब्याह पर गए थे? आए सवेरे 8 बजे। जो तू आए तो अगे दिखा तो जंदरे बजे रे ते जुले अंदरला दरवाजा दिखिया ते टूटे दा पेरा जंदरा ते इसी भी मी जंदरा मारी गई ही पिछे इत जूते भी मी जंदी इसी जंदरा मारी जंदी ही ते इबी दिखिया ते टूटे दा पेरा ते अगे दिखिया ते सारा ओ कापियां थल्ले खलारी दियां सारियां के साड़ियां ते जुले दिखिया ते बिच कख भी है नहीं।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से एक बार फिर गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की गुजारिश की है। श्रीनगर के एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने इस नंबर प्लेट की खासियत की जानकारी देते हुए लोगों से जल्द ये सुविधा लेने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए संबंधित आरटीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भी बार बार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से ये आदेश सख्ती से लागू करवाने की बात कहता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा पाए हैं। नंबर प्लेट है, इसमें काफी सिक्योरिटी फीचर्स हैं ताकि ये टाइम पर प्रूफ ये रहता है इसमें। तो इसका बेसिकली मैंडेट है हर किसी को अपनी गाड़ी में ये नंबर प्लेट लगाना। इससे ये है कि एक सेफ्टी भी रहती है गाड़ी की, टैम्परिंग नहीं होती है नंबर प्लेट की, और जो डिफरेंट फैंसी टाइप्स के जो नंबर प्लेट्स हैं डिफरेंट किस्मों के लोग यूज करते हैं तो एक यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। दूसरा है कि क्योंकि इसमें स्टिकर भी लगता है तो इसमें काफी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि एक जो गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए भी ये ठीक है और हमारे लिए भी आइडेंटिफाई करना गाड़ी ना ईजी रहता है। तो दिस प्रैक्टिस इज इन वोग, ये काफी देर से चल रही है। तो हमारी गुजारिश सिर्फ रहेगी लोगों से कि जिस जिसने अपनी गाड़ी में अभी तक ये एचएसआरपी वाला नंबर प्लेट नहीं लगाया है तो मेहरबानी करके आरटीओ ऑफिस कांटेक्ट करें तो अपना जो है जल्द से जल्द अपना जो है गाड़ी का ये नंबर प्लेट चेंज कराएं। सरहदों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहने वाली भारतीय सेना समाज के प्रति भी अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। इसी कड़ी में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने आज सुरनकोट के कुलाली इलाके में गुजर बकरवाल समुदाय के साथ चाय पर बातचीत करते हुए उनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से उन्हें अवगत करवाने के साथ साथ उनसे इन योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान भी किया। सेना के अधिकारियों का कहना था कि इस समुदाय ने इस इलाके से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में भी हमेशा फौज की मदद की है, जिसे कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। सीखने को मिला है तो इसको मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं इसमें शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंशाल्लाह इस पर हम कामयाब होंगे तो इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। तो इसमें हमें बहुत सारी स्कीमों के जिनको हमें पता नहीं था, हमें बताया इनके बारे में और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बताई जिनका हमें पता भी नहीं था और हम कोशिश करेंगे कि उन पर फोकस करें और उनको समझें और फौज के साथ चले। और साहब ने आज हमें बहुत बहुत बेहतरीन चीजें बताई यहाँ पर और हमारी यहाँ मीटिंग हुई है घंटे से ज्यादा टाइम और साहब ने हमें यहाँ पे पूरा जो जो हमारी बेनिफिट स्कीमें थी उनके बारे में बताया, गवर्नमेंट की जो स्कीमें यहाँ पे चल रही हैं। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने लसाना ब्लॉक के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए लसाना और सनाई इलाकों को एम्बुलेंसेज मुहैया करवाई गई हैं। इन एम्बुलेंसों को डीडीसी सदस्य रुखसाना कोहली ने बीएमओ सुरनकोट के हवाले किया। रुखसाना ने बताया कि वह ब्लॉक के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और ब्लॉक के दूरदराज गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत मुश्किल काम है ये, मगर फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हेल्थ में हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। यहाँ लसाना पीएचसी की बात रही तो यहाँ पे डायर नीड थी एम्बुलेंस की, आए दिन एक्सीडेंट होते थे और हमारी जो ये पीएचसी है ये मेन रोड के ऊपर है और यहाँ पे एम्बुलेंस की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने सबसे पहले लसाना को प्रायोरिटी दी है और मेरी कोशिश है कि मैं मेरी और भी जो पंचायत है या फिर और जो मेरी पीएचसीज है जहां पे एम्बुलेंस की जरूरत है मैंने वहां पे भी कोशिश की हुई है। इंशाल्लाह आने वाली टाइम में वहां पे भी और एम्बुलेंस लाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। और यहां के लिए मैं बोल दूं, मैंने एक और एम्बुलेंस का डिमांड मैंने दो एम्बुलेंस की थी क्योंकि ये सेंटर में एग्जिस्ट करती है तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे दो एम्बुलेंस होगी तो यहाँ के जो आसपास की पंचायत है वो भी कवर हो जाएंगी, इसलिए मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में एक एम्बुलेंस और आपको जल्दी यहाँ पे पीएचसी लसाना में आ जाएगी। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हर सियासी दल कमर कस चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसके चलते आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय में पार्टी के गांधीनगर विधानसभा हलके के शक्ति प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व मंत्री सत शर्मा ने करते हुए शक्ति प्रमुखों द्वारा गांधीनगर विधानसभा हलके में किए जा रहे कामकाज की समीक्षा की और उन्हें कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। आज गांधीनगर विधानसभा के शक्ति प्रमुखों की बैठक हुई,
बैठक में आने वाले कार्यक्रम में चर्चा और संगठन में चर्चा की गई। इस बैठक में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व में डिप्टी जनरल आदर कविंदर गुप्ता जी, विशेष तौर पर आज सत शर्मा जी ने आज बैठक ले थी वो हमारे बीच में रहे। मेरे दोनों महामंत्री, दोनों मंडल विधायक सब पूरी टीम ने भाग लिया। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा प्रथा रही है, पहले तो हमारे प्रश्न वर्ग लगते हैं, फिर संगठन चर्चा होती है, उसका आज संगठन प्रमुख में बैठक है, इसके बाद पटना प्रमुख में बैठक होगी और बूथ सम्मेलन भी होगा। इलेक्शन को मद्दे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रोड सर्वे का शुरू कर दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम का और अपने मंडल अध्यक्ष जिन्होंने पूरा जमीन स्तर में कार्य करते हुए आज शक्ति प्रमुख में अपनी पूरी की पूरी 100% हमारे संगठन हमारे शक्ति प्रमुख बने हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा पूर्व मंत्रियों व विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पैंथर्स पार्टी ने प्रशासन एक ही लाठी से दो भैंसों को हांकने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज प्रदर्शन किया। पैंथर्स का कहना है कि भाजपा के नेताओं को इस आदेश के दायरे से बाहर रखते हुए पैंथर्स व अन्य पार्टियों के नेताओं को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन के लिए एक अलग जो है वो क्राइटेरिया रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में जो एक पंच सरपंच भी नहीं है, जो किसी भी पोस्ट में जो है वो फाल नहीं करते, उनको जो है वो 10-10 5-5 6-6 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड दिए गए हैं और उनके घरों में भी जो है वो गार्डें दी गई हैं। वो आपने उनकी सिक्योरिटी विड्रा करके जो पक्षपात का जो रवैया अपनाया है, पैंथर्स पार्टी इसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यशपाल कुंडल के साथ और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ अगर ऐसी अनहोनी घटना घटती है तो इसके लिए जो जिम्मेवार होगा वो LG प्रशासन होगा, क्योंकि विकास कार्यों को जारी रखते हुए BDC चेयरमैन तरसेम सिंह ने सुचेतगढ़ ब्लॉक की शेखे चक पंचायत में शमशान घाट की चार दीवारी के निर्माण कार्य की नींव रखी। ये काम PWD द्वारा करवाया जा रहा है और इस चार दीवारी के निर्माण पर 8 लाख रुपए की लागत आएगी। ये काम 8 लाख का है तो ये PRA का काम है, ये PRA के थ्रू पैसे आए हैं तो ये पंचायत के पैसे हैं, तो ये PWD वालों ने ये काम करवाना है, टेंडर हुआ है इसका 8 लाख का, तो बहुत अच्छी बात है। इससे शमशान घाट की हालत बहुत खस्ता है, जहाँ पानी रुक जाता है, तो इसका अब जो चार दीवारी का काम है वो स्टार्ट किया गया है। तो मैं आश्वासन देता हूँ कि जैसे ही मार्च के बाद हमारे पास फंडिंग आएगी तो उसकी फिलिंग के पैसे भी रखे जाएंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने अस्पतालों के साथ साथ पंचायतों में भी कोविड सेंटरों को बनाया है ताकि कोरोना संक्रमितों का इलाज उनके अपने ही गांव में संभव हो सके और उन्हें इलाज के लिए भटकना न पड़े। लेकिन जिला उधमपुर के पंचायत दरसू के पंचायत सदस्यों और स्थानीय लोगों ने सरकार की इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इन लोगों के आरोप हैं कि सरकार ने कोविड सेंटर के नाम पर केवल 3 बेड उपलब्ध करवाए हैं, इसके अलावा इन सेंटरों पर कोरोना के इलाज के लिए 1 टैबलेट तक उपलब्ध नहीं है, यहां तक कि उनकी पंचायत में बनाए गए कोविड सेंटर में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने केवल जनता को गुमराह करने के लिए इन सेंटरों को बनाया है। हमारे पास जहां पे पानी नहीं है, पानी के लिए हमने एक टेंडर अपने पैसों से जो बजट से रखा हुआ था करीबन कोई 80,000 रुपए का, लेकिन कहते हैं कि टेंडर लग चुका है लेकिन अभी तक हमारे पास वो पानी की पाइप जो नहीं लगी है इसमें। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि हमारी पंचायत बिल्कुल सक्षर है, जहां कोई पॉजिटिव केस नहीं आए, अलबत्त कोई पॉजिटिव केस आ भी जाता है तो हमें सबसे ज्यादा परेशानी पानी की है, क्योंकि बाथरूम पेशेंट के लिए बाथरूम यूज करना पड़ता है तो जहां पे पानी नहीं है। मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जहां पे पानी लगा जाए। देखिए सामान तो आपके सामने पड़ा हुआ है, जो भी है, एक हमें ये मशीन भी उन्होंने दी है, पिछले बार तो मैडमें आती रहती हैं बीच बीच में कोविड सेंटर चेक करने के लिए, लेकिन वहां पे कोई सर्जन या वैसे कोई डॉक्टर जहां पे अभी तक नहीं आया है। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई पॉजिटिव केस खुदा नास्ता आ भी जाता है तो कम से कम जहां पे डॉक्टरों की टीम 24 घंटे जहां पे होनी चाहिए जो है हमें फैसिलिटी दे रही है। कुछ सरकारी जो लोग हैं, जैसे PRI जो लोग हैं या दूसरे लोग जो हैं, वो तो गवर्नमेंट की प्रशंसा में मुझे दिखते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं यहां पे दिख रहा है।
खाली 3 बेड जो है वो यहाँ पे एक थर्ड क्लास जैसे बेड जो है वो लेके रखे हुए हैं और कोई फैसिलिटी यहाँ पे जे हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से जहाँ कोई पॉजिटिव आए नहीं। लेकिन मैं आज सुबह सुन रहा था पिछले 24 घंटों में जम्मू एंड कश्मीर में 5700 समथिंग केसेज आए हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे दरसू और गुढ़ार जो है इसमें कोई जो पेशेंट है ओमिक्रॉन का वो नहीं आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। तो लिहाजा वो अपना पानी घर से लेके आएगा, बिजली घर से लेके आएगा, कैंडल पकड़ के घर से आएगा। तो यहाँ पे ना कोई डॉक्टर होता है, ना कोई नर्स होती है, ना कुछ होता है, यहाँ तो कुछ नहीं है। ये खाली एक सरकार का जो बहुत बड़ा स्कैम फ्रॉड जो है मैं कहूंगा ये सामने देखने को जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ के लोग जो है वो तो बेचारे, अब मुझे 3 यहाँ पे बेड दिख रहे हैं, सुबह सेट नहीं है, बिस्तर यहाँ पे स्पे नहीं है, यहाँ पे कोई एक टैबलेट नहीं है इस कोविड सेंटर में। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बुखार की टैबलेट जो है वो यहाँ पे पड़ी, बट मैं इसको कोविड सेंटर बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना तो मास्क दिखता है, ना तो यहाँ पे कोई पानी की बोतल दिखती है, और ना ही जहाँ पे कोई दवाई की एक। तो सबसे पहले तो किशोर जी, मैं तो ये कह नहीं सकता कि ये जो जितने भी बेड्स हैं इन पे हम किसी कोविड पेशेंट को सुला सकते हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं एक गद्दा है और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की एक बेडशीट है और एक कंबल है और एक उसके साथ तौलिया या पिलो लगा लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश में कोई भी कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है वो इस इन बेड को यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप जो कह रहे हैं कि कोविड ये कोविड की बात कर रहे हैं, तो मैं हमारे आगे पीछे पता नहीं कितने कोविड पेशेंट्स जो हैं हमारी पंचायत में घूम रहे हैं, हमें इस चीज का तो पता ही नहीं है। आज गवर्नमेंट रैड टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह जो है गवर्नमेंट करवा रही है, लेकिन हमारी पंचायत में ऐसा कुछ हुआ है नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी पंचायत में कोई कोविड पॉजिटिव केस हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल टेलीविजनों ने अपनी मांगों को लेकर आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि वह पिछले 20 वर्षों से विभाग में बतौर कैजुअल टेलीविजन के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें नियमित करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई। इन लोगों का आरोप है सरकार उन्हें 225 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दे रही है, जिससे इस महंगाई के दौर में उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। इन लोगों ने उपराज्यपाल से जल्द उन्हें नियमित करने की गुहार लगाई है। हम अर्ज करते हैं एलजी साहब से, मनोज सैना साहब से, हम 26 सालों से सफर कर रहे हैं सरकारी कार्यालयों में, हम लोग हर एक सुविधा दे रहे हैं एज ए कैजुअल लेबर डेली वेजर हैं हम लोग। हम आप मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं एलजी साहब को कि हमारी अर्ज सुनो, हम गरीब लोग सरकारों ने जो रेड़ी फड़ी वालों को 10-10 हज़ार रुपया और जुगियों वालों को भी 10-10 हज़ार रुपया राहत पैकेज दिया गया था, हम गरीब लोग 225 रुपये पर डे लेते हैं, हमें तक आज तक कोविड 9 में हम पूरी सुविधाएं जो सरकारी कार्यालय में हैं हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा कोई सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला है। कोई हमें क्या अपील करेंगे? अपील ये कहते हैं हमें 26 सालों से सफर कर रहे हैं, कम से कम हमें रेगुलाइज करें, हमारा मिनिमम बेसिस एक्ट जो है वो दिया जाए, क्योंकि ड्यूटी काफी देर हो गया, कम से कम 2 साल से ड्यूटी के रूल लागू हो गए, हमें अधूरा रखा गया है। जैसे आ रहे कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई ज्यादा हो गया उससे भी ज्यादा, जो माता बहने हमारी जो साथ हैं कुछ ऐसी हैं जिनकी घर की हालत इतनी गंभीर है कि अगर मीडिया के माध्यम से अगर मीडिया वाले ये बात को सरकार तक पहुंचाए तो शायद इनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन सरकार हमें 225 रुपया पर डे देती है, लेकिन 90 कैविटी में भी हम लोग दिन रात जो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अगर ड्यूटी बनाई तो कम से कम जम्मू के अंदर स्टेट के अंदर जो ड्यूटी तब्दीली की गई तो रेगुलेशन रूल जो लागू किए गए, तो पहले सबसे पहले तो जो गवर्नर साहब से हम जो अपील करना चाहते हैं कि अगर आप बाकी स्टेटों में आपने लागू किया तो जम्मू वालों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? जे वो लोग हैं जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे इनके घर में भूखे हैं और इस परेशानी में है, तो सरकार अगर अभी भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेगी तो जो लोग कहाँ पे जाएंगे? आरएसपुरा के किसानों ने सिंचाई विभाग से नहरों की साफ सफाई और मरम्मत का कार्य करने की मांग की है। किसानों के मुताबिक इस समय किसानों को पानी की जरूरत नहीं है और यही समय नहरों की साफ सफाई के लिए उचित है। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग उस समय नहरों की साफ सफाई करवाता है जब किसानों को पानी की जरूरत होती है और विभाग को जल्दबाजी में नहरों की सफाई करवानी पड़ती है।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਈ 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ JCB ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਦੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।